नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। लफ्ज जिहाद में हुए छात्रा के अपहरण के मामले में लापरवाही बरतने पर मंगलवार को बवाल हो गया। 3 दिन में छात्रा के बरामद न होने से नाराज भाजपा व हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ता किला थाने प्रदर्शन को पहुंच गए। वहां दरोगा ने अभद्रता की तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। जवाब में पुलिस ने भी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामले की जानकारी लखनऊ तक पहुंची तो ADG, DIG, SSP थाने पहुंचे। घटना में आरोपित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। पुलिस तोड़फोड़ करने वालों पर भी मुकदमे की तैयारी में है। प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाली छात्रा लव जिहाद में फंसकर 17 अक्टूबर को लापता हो गई थी। पिता ने उसी दिन किला थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि किला मोहल्ले का बिलाल उसे धोखा देकर साथ ले गया है। 3 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो इससे नाराज भाजपा समेत कई हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे थाने पहुंचे। आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान मलुकपुर चौकी इंचार्ज रजनीश यादव अभद्रता करने लगे। इससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने थाने में रखी कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दीं, दरवाजे पीटना शुरू कर दिया। ये देख ट्रेनी IPS व CO साध मियां ने सख्ती करने का निर्देश दिया। पुलिसकर्मियों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दीं। प्रदर्शनकारियों को पहले थाने में अंदर पीटा, जो बचकर भागा उसे दौड़ाया, कुछ को गली में गिरा गिरा कर पीटा। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ABP 9 न्यूज़। हर खबर आप तक। जो लड़की है वो एक लड़के के साथ चली गई थी। 17 तारीख की घटना है। 17 तारीख को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो लड़की आज की तारीख में दूसरे राज्य में उसकी लोकेशन मिली है। पुलिस की टीम वहाँ पर पहले से ही पहुँच के उनको ढूंढ रही है। इसी दौरान जो लड़की के परिवार वाले और कुछ संगठन वाले थाने पर आए और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की, उसी में आपस में कुछ बहसबाजी के दौरान पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया और उसी में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई इस कार्रवाई के ऊपर उनके ऊपर चौकी इंचार्ज को और कुछ सिपाहियों को निलंबित किया जा रहा है और जो जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है। बाकी जांच के उपरांत इसमें अन्य अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लड़की को जल्दी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।